हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वाभिमान रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। रविवार को बाड़मेर शहर के व्यापारियों को सर्व समाज ने पीले चावल बांटकर पचपदरा में होने वाली स्वाभिमान रैली में पहुंचने का न्योता दिया। प्रवीण सिंह आगौर ने बताया कि मानवेंद्र सिंह जसौल के नेतृत्व में 22 सितंबर को होने वाली स्वाभिमान रैली की तैयारियों को लेकर बाड़मेर शहर में पीले चावल बांटकर प्रचार किया गया। इस रैली में 5 लाख लोगों की भागीदारी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए सर्व समाज के मौजूद लोगों से संपर्क किया जा रहा है। ये रैली राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के 5 साल में जो अन्याय से पीड़ित रहा है, इसके खिलाफ आक्रोश के रूप ये रैली की जा रही है। जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह परो ने बताया कि जसौल परिवार भाजपा का संस्थापक सदस्य है, लेकिन जिस तरीके से इनका अनदेखा किया जा रहा है, ये सर्व समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खबडाला ने बताया कि स्वाभिमान रैली भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी। स्वाभिमान रैली के प्रचार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पीले चावल बांटने के दौरान नारायण सिंह महाबार, छेल सिंह लुलू, नरपत सिंह गेहूं, थाल सिंह आंटा, गिरधर सिंह राव, समुद्र सिंह देदुसर, राम सिंह महाबार, जसवंत सिंह खारिया, हुकुम सिंह हाथमा, गुमान सिंह महाबार, मोहन सिंह उंडखा, मल सिंह मगरा, ईसमाल खां, जगदीश जैन, कमल सिंह गेहूं, कई सैकड़ों युवा मौजूद थे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।